आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ इन टॉपिक्स पे जो कि चार्ट से रिलेटेड रहेंगे। तो आज मैं आपको चार्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि एमएस एक्सेल में हम चार्ट का यूज़ कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम चार्ट को डिलीट कर सकते हैं, किस तरीके से हम चार्ट को प्रिंट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स यानी कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं, चार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं और किस तरीके से हम विजार्ड का यूज़ करके चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, एक्सेल पे मैंने डाटा ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ये कुछ डेटा मैंने बनाया हुआ है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के नेम है और उनका टोटल तक है, ठीक है। क्योंकि चार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको वैल्यूज़ की आवश्यकता होती है। वैल्यू अगर आप नहीं दोगे तो वो अपना जो काम है वो नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कॉलम चार्ट लिया, अगर मैं वैल्यू ना दूँ तो जो कॉलम है वो बन ही नहीं पाएगा। तो इसलिए यहाँ मैंने कुछ ऐसे ऑप्शंस लिए हैं जिसमें वैल्यू रहेगी और गाइडेंस के लिए उनके नेम वगैरह ये सब रहेंगे। अब आपको चार्ट्स मिलेंगे कहाँ, तो वो मिलेंगे आपको इंसर्ट मेन्यू में। तो इंसर्ट मेन्यू में यहाँ पर आपको मिल जाएंगे चार्ट्स और यहाँ पे आपको रेकमेंडेड चार्ट्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा। रेकमेंडेड चार्ट्स का ऑप्शन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसमें एक फीचर होता है जिससे क्या होता है कि हम रेकमेंडेड चार्ट्स में जाते हैं और अपने हिसाब से अपना कोई एक चार्ट चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद उसका प्रिव्यू देख सकते हैं। तो सिंपली आप बाहर से भी उसे क्लिक कर सकते हो, यानी कि ये कॉलम चार्ट है, ये बार चार्ट है और जहाँ चाहे तो आप रेकमेंडेड चार्ट में भी जा सकते हो। तो जैसे मैं रेकमेंडेड चार्ट में आ गया, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेकमेंडेड चार्ट है तो यहाँ पे एक कॉलम चार्ट रेकमेंड कर रहा है, ठीक है। कॉलम चार्ट रेकमेंड कर रहा है तो मैं इसमें से ये वाला चार्ट चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ ओके। तो ये देखिए कुछ चार्ट ऐसा आ गया। अब सिंपल ये किस तरीके से आ रहा है, तो ये आ रहा है नेम वाइज, ठीक है। इन्होंने नेम को ध्यान दिया है और इन्होंने वैल्यूज़ को ध्यान दिया है। और जैसे ही आप चार्ट ऑन कर रखते हो या फिर कर्सर आपका रहेगा चार्ट पे, तो एक पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएगा डिज़ाइन एंड फॉर्मेट नाम का, जो कि चार्ट्स टूल में रहते हैं। तो सिंपली मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, फॉर्मेट मेन्यू में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। इमेज शेप आदि के लिए फॉर्मेट मेन्यू एक जैसा ही होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर पहले डिज़ाइन मेन्यू बताने वाला। तो डिज़ाइन मेन्यू में जो चार्ट एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर आपको वन बाय वन देख के मैं बताता हूँ। देखिए तो ये प्राइमरी एक्सेस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो इसके द्वारा आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि देखिए यहाँ पर मुझे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे वैल्यू कितनी जा रही है। यहाँ पे मोर ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखिए यहाँ से डेटा चला गया, अब यहाँ से डेटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मोर ऑप्शंस में आप जाओगे तो मोर ऑप्शंस आपके पास मिल जाएगी, यहाँ पर एक पूरी फॉर्मेट एक्सेस खुल जाएगी, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको सेटल कर सकते हो, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सेस टाइटल। एक्सेस टाइटल में यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हो कि एक्सेस टाइटल में आप क्या टाइटल देना चाह रहे हो, ठीक है। अगर प्राइमरी रखोगे तो यहाँ पे एक्सेस टाइटल आ जाएगा हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ठीक है। तो ये सिंपली एक्सेस टाइटल के लिए। अब उसके बाद चार्ट टाइटल नन कर दोगे, खाली हो जाएगा। अबव चार्ट सेंटर्ड ओवरले, तो यहाँ पे आप चार्ट का टाइटल दे सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्कशीट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मार्कशीट लिख दिया, तो ये चार्ट टाइटल हो गया चार्ट का। अब यहाँ पे आपको मिल जाता है डेटा लेवल्स, तो आपको यहाँ पर डेटा लेवल्स का ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए जहाँ से पर डेटा दिखाई देने लगा हमें सेंटर्ड में, इनसाइड अगर आप एंड बोलोगे तो एंड में दिखाई देने लगेगा, इनसाइड रॉ, ठीक है, इनसाइड बेस, इनसाइड आउटसाइड एंड डाटा कॉल आउट। कॉल आउट तो आप सब लोग जानते ही हो, कॉल आउट क्या होता है, जो कॉमिक्स वगैरह में हम कैरेक्टर्स को जो कुछ बोलना होता था वो कॉल आउट के द्वारा दिखाता था, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। और जो सबसे ग्रीन वाले मार्क्स हैं वो है टोटल, तो वो सबसे ज़्यादा ही रहेगा। डेटा टेबल, तो यहाँ पे आप लेजेंड कीज़ का भी यूज़ कर सकते हो, इन्हें लेजेंड कीज़ बोला जाता है ये जो होती है, ठीक है, विथ लेजेंड कीज़, नो लेजेंड कीज़, ठीक है। तो ये डेटा लेवल आ जाएगा आपका। उसके बाद एरर, तो यहाँ पे परसेंटेज स्टेंट, तो यहाँ से आप एरर बार देख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रिड लाइन, तो ग्रिड लाइन के कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आप ग्रिड लाइन ले सकते हो। लेजेंड्स आपको चाहिए तो लेजेंड्स मिल जाएंगे आपको, राइट लेफ्ट सेंटर टॉप बॉटम, ठीक है। ट्रेड लाइन, तो यहाँ से ट्रेड लाइन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी ट्रेड लाइन का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बताया था इसमें आगे और क्या मिलता है, तो क्विक लेआउट्स। अब क्विक लेआउट्स क्या होते हैं, हमारा काम आसान करने के लिए होता है। अब उसमें फ़ायदा क्या होता है, क्विक
क्विक लेआउट से जो होते हैं चार्ट एलिमेंट से बने हुए होते हैं, उसमें अलग अलग स्टाइल होते हैं, आप इसमें से जो स्टाइल आपको पसंद आता है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैंने जैसे लेआउट ले लिया ये, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे चेंज कलर, याद रखिएगा पहले कलर में आपको वैरायटी देखने को मिलेगी, अगर आप दूसरे कलर में जाते हो तो फिर आपको वैरायटी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे डार्क लाइट का ही कॉम्बिनेशन चलता रहता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको चार्ट स्टाइल मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेट मेन्यू चार्ट के लिए। अब यहाँ पे स्विच रो स्विच कॉलम, ठीक है, ये देखिए स्विच रो स्विच कॉलम, तो यहाँ से आप स्विच कर सकते हो। सिलेक्टेड डेटा, अपने डेटा कितना सेलेक्ट किया वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। किसी डेटा को अगर रिमूव करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अब चेंज अ चार्ट टाइप, अगर आपको चार्ट का टाइप चेंज करना है तो दूसरा मैं आपको बताया था, जैसे लाइन चार्ट होता है, यहाँ पे लाइन चार्ट ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये लाइन चार्ट, और कितने टाइप के चार्ट होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, ठीक है, एरिया चार्ट, एक्स वाई स्कैटर, ठीक है, स्ट्रोक चार्ट। इसके लिए हमें अलग तरह की जो विंडो बनाए थे, स्ट्रोक से स्टाफ से रिलेटेड हमें कुछ बनाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद सरफेस, ठीक है, यहाँ पर रेडार और कॉम्बो। ज़्यादा जो चलने वाला चार्ट है वो है कॉलम चार्ट, रेकमेंड भी हमें यही कर रहा था, क्योंकि हमारा डेटा जो था उसके हिसाब से वो हमें रेकमेंड कर रहा था, ठीक है। अगर आप अलग टाइप का डेटा बनाओगे तो उसके हिसाब से वो आपको रेकमेंड करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है मूव चार्ट। अब मूव चार्ट क्या करता है, सिंपली अगर आपको चार्ट को एज अ ऑब्जेक्ट नहीं रखना है, ठीक है, अगर आपको एज अ ऑब्जेक्ट नहीं रखना है, इसे भी एज अ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर आप चाहते हो कि चार्ट अपनी एक नई शीट बनाए, तो यहाँ पर आप ओके कर दीजिए। देखिए एक नई शीट पर आपका चार्ट आ जाएगा, और इसको प्रिंट करना भी आसान है, कंट्रोल के साथ आपको सिर्फ पी दबाना है, ठीक है। इससे मैं बना देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल के साथ मैं पी कर देता हूँ उसको, या फिर यहाँ से प्रिंट कर देता हूँ। ये देखिए आराम से आप चार्ट को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसकी ज़रूरत क्या है, अगर हमें एज अ ऑब्जेक्ट ही बना के रखना हो तो एज अ ऑब्जेक्ट बना के रखिए, अगर आप चाहते हो कि एज अ शीट आए तो आप एज अ शीट भी रख सकते हो उसको, ठीक है। तो यहाँ से वापस अगर आपको जैसे लेके जाना है तो आप वापस लेके जा सकते हो एज अ और एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपके पास शीट का एक ही ऑप्शन है, अगर एक से ज़्यादा शीट होती मेरे पास तो मैं दो पे तीन पे या फोर पे किसी भी शीट पे इसको मूव करवा सकता था, इसे बोलते हैं मूव अ शीट, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस मैंने आपको चार्ट से रिलेटेड बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चार्ट को डिलीट कैसे किया जाता है। चार्ट को डिलीट करने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपली यहाँ पर जो कर्सर आपका रखा हुआ है आपको यहाँ पर रखना है कर्सर, देन उसके बाद डिलीट बटन प्रेस कर देना, ठीक है। कर्सर रखने के बाद डिलीट बटन प्रेस कर देना है, तो चार्ट है वो डिलीट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ चार्ट ऑप्शन बताया, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे बताऊँगा।